बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी पढ़ने के लिए आज हमारे साथ मेरा दोस्त बल्लू है। आपको देखना है बल्लू को। बल्लू, अरे ये बल्लू के नाक के नीचे क्या है? काली मूछें। काली मूछे, काली मूछे आपके घर में किसके पास है? पापा के पास या दादाजी के पास? आपको पता है, आप सोच के देखो और आप घर में चेक करना कि काली मूछे किसके पास है। ओके, लेकिन ये काली मूछों में का क्या है? तो आज हम का के बारे में सीखेंगे कि का क्या है। ओके, जैसे हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, वैसे हम हिंदी में व्यंजन पढ़ते हैं। और हिंदी में व्यंजन का पहला व्यंजन है क। तो ये है क व्यंजन, दिस इज क व्यंजन। क से केला, क से कबूतर, क से कौआ, क से कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ, भौ भौ। क से कछुआ, क से कटोरी, क से कमल। कमल के ऊपर लक्ष्मी जी, गॉडेस लक्ष्मी बैठती हैं, देवी माँ लक्ष्मी जी कमल के ऊपर बैठती हैं। क से कमल। क से कलम, क से कागज। कागज पर हम कुछ भी लिखते हैं और किससे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं। क से किताब, किताब से हम पढ़ते हैं। क से ककड़ी, ककड़ी हम खाते हैं। देखो, क से काजू, मम्मी काजू खाने को देती है ना। ओहो, क से किशमिश, वाओ किशमिश खाने में अच्छा लगता है ना। क से काली मिर्च, काली मिर्च मम्मी मसाले में डालती है, खाने में डालती है। क से कंगन, कंगन हम अपने हाथों में पहनते हैं। क से कपड़ा, ये कपड़े जो है हम अपने स्कूल जाने में या पहनते हैं।
कहां से कसना। ओहो हो, ये तो कस रहा है, मम्मी इसको निकालो। ओके, का से कान, का से कान। सो आपने देखा का से कितने सारी चीजें होती हैं। तो एक बार हम इसको फिर से देखें, का से क्या क्या होता है। का से कुत्ता, कमल, ककड़ी, काजू, किशमिश, काली मिर्च, कंगन, किताब, काजल, कैंची, केला, कबूतर, कौवा, कछुआ, कटोरी, कंघा, कागज, कलम, कपड़ा। तो आप सब ने देखा का से क्या क्या होता है। आज हमने बल्लों के साथ व्यंजन क सीखा। व्यंजन क का प्रयोग करके नए नए शब्दों को भी सीखा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।